जेंट ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर। बुंदेलखंड के गांव में राजा सिंह कहकर एक रौडी रहता था। वो उस गांव में किसी को भी ट्रैक्टर चलाए बिना करके वो खुद चलाता था और लोगों के पास बहुत पैसे लेता था। उसको बहुत घमंड था और गांव भर को नीच नजर से देखते हुए सबके पास चीजें छीनकर उनको मारता रहता था। ऐसे कुछ दिन के बाद राजा सिंह उस गांव में रहने वाला वैज्ञानिक कपाड़िया के पास गया। तब कपाड़िया से राजा सिंह, देखिए वैज्ञानिक जी, मेरा नाम राजा सिंह है, मुझे एक बड़ा सा जेंट ट्रैक्टर चाहिए। वो कैसे रहना है कि उसका इंजन ऐसा वैसा पावरफुल नहीं रहना चाहिए, बहुत बढ़िया पावरफुल होना चाहिए। अगर हमारे ट्रैक्टर से टकराएंगे तो बाकी के ट्रैक्टर टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। कहा तब कपाड़िया, देखो बाबू, तुमने जो ट्रैक्टर पूछा उसके लिए बहुत वक्त लगता है और बहुत खर्चा भी होता है। कहा तब राजा सिंह, देखो साइंटिस्ट, ये खर्चे के बारे में मुझसे मत कहना। अगर मुझे तुम्हारे संपत्ति को नहीं छीनना है और तुम्हें मारे बिना छोड़ना है तो तुम अपने खुद के खर्चे से मेरे लिए एक जेंट ट्रैक्टर बनाकर गिफ्ट जैसे दोगे। कहकर साइंटिस्ट के सर के ऊपर एक मार के चला गया। तब साइंटिस्ट बहुत घबरा गया और उनके असिस्टेंट बालू के साथ मिलकर कुछ दिन लगातार मेहनत करके एक जेंट ट्रैक्टर को तैयार किया। ऐसे कुछ दिन के बाद उस ट्रैक्टर को देखकर राजा सिंह बहुत खुश हुआ। ऐसे ही उस ट्रैक्टर से खेत का जुताई करते हुए अगर कोई ट्रैक्टर के साथ उनके गांव में आए तो उनको राजा सिंह जाकर उनका जेंट ट्रैक्टर के साथ ठकराने लगा। ऐसे लोग उनके ऊपर झगड़ा करने के लिए आए तो उनको भी वापस मारने लगा। इसलिए कुछ नहीं कर पाकर दूसरे गांव वाले उनका ट्रैक्टर्स में उस गांव में आना ही बंद कर दिए। कुछ दिन के बाद असिस्टेंट बालू बहुत पसंद से खुद के लिए एक मिनी ट्रैक्टर को तैयार किया। उसको ले जाकर उसका भाई तेजू को गिफ्ट जैसे दिया। उस ट्रैक्टर में तेजू गांव में अच्छे से घूमने लगा। ऐसे घूमते घूमते थोड़े देर के बाद तेजू के सामने राजा सिंह उसका जेंट ट्रैक्टर के साथ आया। तब तेजू से राजा सिंह, क्यों रे बच्चे कहीं का, मेरे सामने ही गाड़ी पर आओगे? ऊपर से मिनी ट्रैक्टर भी है, कहाँ जा रहे हो? पूछा तब तेजू, कहाँ जाता हूँ, ट्रैक्टर के साथ क्या करते हैं? खेत जोतने के लिए जा रहा हूँ। कोई नमूना इस गांव में आने वाला ट्रैक्टर को खराब कर रहा है, एक एक कर सुना, इसलिए मेरे भाई ने मेरे लिए ये पावरफुल ट्रैक्टर को बनाया। तुम्हें एक बात पता है, ये ट्रैक्टर कितना पावरफुल है? ये ट्रैक्टर हमारे खेत को एक ही झटके में जुताई कर देता है। कहा तब राजा सिंह, क्यों रे छोटे बैंगन, मेरे जेंट ट्रैक्टर जो नहीं कीन सकता है वो तुम्हारा छोटा ट्रैक्टर कीन सकता है क्या? रुको, अभी मेरा ट्रैक्टर से तुम्हारे ट्रैक्टर को ठकरा के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। कहा तब तेजू, देखो ये फालतू के बातें मुझे मत सुनाओ। तुम्हारा ट्रैक्टर महान है या मेरा गाड़ी महान है, ये हम आपस में नहीं सारे गाँव के आगे देखते हैं। एक छोटा सा मुकाबला रखेंगे, उसमें जो हारेगा उसे गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। कहकर उधर से चला गया। उस रात को मुकाबला के बारे में जानकर बालू की माँ रेणु, बालू ये क्या है, तेजू ने क्या किया है पता है? वो राजा सिंह एक बड़ा कमीना है, हमको भी गांव में रहने नहीं देगा, बोली। तब बालू, माँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, असल में ये मिनी ट्रैक्टर को उस राजा सिंह के लिए ही तैयार किया है। उसका ट्रैक्टर में हमारा साइंटिस्ट साहब एक केमिकल रखा है और उसका एंटी केमिकल मेरे ट्रैक्टर में है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो उसका जेंट ट्रैक्टर देखते देखते ही सबके सामने जल के राख हो जाएगी, तब उस कमीना को बुद्धि मिलेगा। कहा तब रेणु कुछ नहीं कर पाकर ठीक है बोली। दिन गांव में सब लोगों के सामने मुकाबला शुरू हुआ। जेंट ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर आमने सामने खड़े थे। अब तेजू उनका ट्रैक्टर से उस जेंट ट्रैक्टर को जाकर ठकराया, लेकिन उस ट्रैक्टर को कुछ भी नहीं हुआ। वो देखकर राजा सिंह कहकर हंसने लगा। बाद में और एक तरफ से जाकर फिर से उस जेंट ट्रैक्टर का टायर को ठकराने से उस टायर से एक केमिकल बाहर निकला। तब मिनी ट्रैक्टर में से और एक केमिकल स्प्रे हुआ। तब वे दोनों केमिकल्स मिलने के वजह से अचानक आग पैदा हुआ। आग बढ़ने से तेजू उसका मिनी ट्रैक्टर को पीछे लेके गया। तब सब लोग देखते ही वो जेंट ट्रैक्टर धीरे से आग में जलने लगी। तब राजा सिंह डर के मारे नीचे उतर गया।
ये देखकर सब लोग तालियां बजाए। तब तेजू से राजा सिंह, अरे बाप रे, मेरा ट्रैक्टर जल रहा है, ये तो अन्याय है, नाइंसाफी है, तुम सब लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना। कहा तब बालू, अन्याय नहीं नाइंसाफी कुछ भी नहीं, अब तुम इस गांव से बाहर जाओ, नहीं तो सब लोग मिलकर तुम्हारी पिटाई करके बेच देंगे। कहा तब सब लोग चले जाओ कहने से राजा सिंह शर्म के मारे कुछ नहीं कर पाकर उस गांव से बाहर चला गया। ये देखकर गांव वाले सब खुश हुए।